यदि आप सोचते हैं कि शेर, चीता और बाघ जैसे जानवर खतरनाक होते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आप गलत सोच रहे हैं। इनसे कई गुना खतरनाक एक जानवर होता था जिसका नाम स्माइलोडोन था। दोस्तों यह 10,000 साल पहले लगभग पाया जाता था। दोस्तों ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वैज्ञानिकों को 19वीं शताब्दी में इसका अवशेष पहली बार मिला था। इस जानवर के मुंह में आगे दो नुकीले दांत थे दोस्तों, जो कि इसे काफी डरावना बना देते थी। यह इनका इस्तेमाल पेड़ की शाखाओं से कूदकर अपने शिकार को दबोचने के लिए किया करता था। दोस्तों वैज्ञानिकों को स्माइलोडोन के पूरे समूह के जीवाश्म एक साथ मिले थे, जिससे जानकारी मिलती है कि ये अकेले नहीं बल्कि समूह में रहकर दोस्तों शिकार किया करते थे। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ये अकेले ही शेर, बाघ जैसे जानवरों का सामना कर सकता है और ये झुंड में रहकर शिकार किया करता था। इससे पता चलता है कि हजारों साल पहले स्माइलोडोन से भी ताकतवर और ज्यादा खतरनाक जानवर रहा करते होंगे। तभी तो स्माइलोडोन जैसे खूंखार जानवरों को भी झुंड में रहकर शिकार करना पड़ता था। इससे भी खतरनाक जानवरों के बारे में जानने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।